कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स आती ही आती हैं, कुछ मिस्टेक्स आती हैं, लेकिन वहाँ बिजनेस से हम फेलियर से सीख करके फिर आगे बढ़ते हैं। मगर यहाँ कुछ मिस्टेक्स होने वाली हैं, वो हमें पहले से मालूम चल जाएगा कि ये 10 मिस्टेक्स जनरली होती है, तो उनसे हमें पहले से ही सावधान रहना है, हमें बचे रहना है कि ये मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, और नहीं करते हुए हमें फिर रफ्तार पकड़नी है। और कुछ कार्डिनल रूल्स हैं, उन्हें हम फॉलो करेंगे तो सक्सेस बिल्कुल दूर नहीं है। तो आइए वेलकम करते हैं दोस्तों क्राउन डायमंड डायरेक्टर हमारी रोशनी अरोड़ा जी का, जो हमें इस पाठशाला में अच्छी तरीके से सक्सेस के बारे में बताएंगे। ये रफ्तार कैसे पकड़नी है, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, और कार्डिनल रूल्स कौन से फॉलो करने हैं। तो आइए दोस्तों आप सबकी तालियों के साथ बिल्कुल वेलकम करना चाहेंगे रोशनी दीदी का। वेलकम दीदी, कम ऑन द बोर्ड एंड प्लीज बताइए हमें। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम। गुड मॉर्निंग क्या मॉर्निंग टीम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्या मॉर्निंग। बच्चों भी बोलो तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज पाठशाला जैसा फीलिंग आता है। उधर मेरी डॉटर बैठी हुई पढ़ी और मैं भी उसके साथ स्टडी, और हम सब स्टडी कर रहे हैं एंड मजा आ रहा है। तो टीम हाउ इज द जोश? हाय, हाय, वेरी हाई। वेरी हाई। और फ्रेंड्स, कल हमने जो सेशन लिया था दैट वाज शुरुआत 10 कदम आजादी के, ठीक है ना। तो पहले तो हम जैसे कि हम हर रोज रिकैप करते हैं, तो कल के लिए मैं आपको बताऊंगी। कुछ स्टूडेंट्स ने काम भी किया, हमने सभी को होमवर्क दिया था काम करने के लिए कि आप अपने जो 10 स्टेप्स है, अपने गोल्स डिफाइन करो, ड्रीम्स, और अपना लिस्टिंग पे काम करो, राइट, और उसपे वर्कआउट करो। तो उसमें से एक मंगल जी है जिन्होंने मुझे तुरंत सुबह मैसेज किया कि मैम मैंने अपने गोल्स जो है मेरे वो अपने स्टेटस में डाले हैं, और उन्होंने अपना खूबसूरत सा घर, उसमें हॉल कैसे होगा, उसमें बेडरूम कैसे होगा, वो कैसे खाएंगी पिएंगी, सब कुछ स्टेटस में डाला था। तो मजा आया। तो मंगल जी आपके लिए जोरदार तालियां। सुपर ही करना है, यहाँ से सीख के ना उसको जीना शुरू करना है हमको। जब हम उसको लाइवली करने लगेंगे तो वो चीजें होने लगेंगी। सो बिफोर आई स्टार्ट, आई वॉन्ट कि यहाँ पे 10 स्टेप शुरुआत के हम डिस्कस करें, रिकैप करें। तो मैं चाहूंगी कौन बताएगा 10 स्टेप्स फ्रॉम यस्टरडे स्टूडेंट, 10 स्टेप शुरुआत के, 10 कदम आजादी के, कौन शेयर करना चाहेगा? रेज योर हैंड। दो टॉपिक कवर करने हैं तो फास्ट, 10 स्टेप शुरुआत के, वरना फिर से शुरुआत पढ़ाएंगी रोशनी अरोरा। हेलो, रेज योर हैंड जो भी शेयर करना चाहता है 10 स्टेप। प्रतीक जी, प्रतीक जी आर ऑल राउंडर अदर देन, यस शिखा, यस स्टूडेंट्स में से चाहिए, ठीक है। आप भले ही लड़खड़ाए, भले ही आप एक दो गलत करते हैं, दैट इज नॉट मैटर। मुझे मालूम है, मुझे खुद को 10 स्टेप याद करने में पता ही नहीं, समझा भी नहीं था अच्छा ये 10 स्टेप है क्या। तो करने लग गई थी सिस्टम जैसे जैसे, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ था। तो शिखा प्लीज शेयर 10 स्टेप। गुड मॉर्निंग मैम, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहला स्टेप जो मैंने फर्स्ट क्लास में अटेंड किया था वो था सपोर्ट एंड सपोर्ट चार्ट। ग्रेट, ओके, नेक्स्ट गोल, गोल सेटिंग, ओके, देन प्रोस्पेक्ट लिस्ट, ओके, सेल्फ यूज और मेक योर ऑन बास्केट फॉर ओके, सेल्फ यूज, और उसके बाद शेयर, देन स्पॉन्सर्स और स्ट्रक्चर, एंड बी योर ऑन रोल मॉडल। ओके, आपकी ड्रेसिंग पावरफुल होनी चाहिए जिससे कि आप दूसरों के लिए रोल मतलब मॉडल बन सके और आपको खुद को कॉन्फिडेंस राइज हो सके। इस तरह से 10 सपोर्ट आपने हमें बताए थे, और फिर लास्ट वन है डुप्लीकेसी, मतलब हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल भी सेट करें और अपने खुद के यूज के लिए भी उस प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट। ये 10 स्टेप्स थे जो बताए थे। वेरी गुड शिखा, तो इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच शिखा। और आई थिंक आगे आगे बोलना है, जब चांस मिला आगे आगे बोलना है, राइट, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। तो पेन डायरी निकाल के, आज की बहुत कॉमन सी है, रेगुलर होती है ट्रेनिंग, कभी कभी होता है ना कि तो हम कभी भी कर लेंगे, जब हमारी थॉट ऐसी बन जाती है ना, ये तो ट्रेनिंग होती रहती है रेगुलर, ये तो हम कभी भी लिख लेंगे, सोच लेंगे, नहीं, द मोमेंट इज नाउ। जिस समय जहां पे हो वहां पे पूरा रहिए। जब आप यहाँ 1 आवर हो तो इसमें सिखा रहे, तो व्हाई नॉट टुडे आई लर्न, आज ही मैं इसको पूरा सीख लूँ। आज जब ये सिखा रहे तो इस तरह सीख लूँ कि मेरे को मैक्सिमम ये चीजें समझ में आ जाए, और मैं सिखाने लायक भी बन जाऊँ, मैं लोगों को बताने लायक भी बन जाऊँ। ये छोटी छोटी चीजें जो है हमको बहुत आगे लेके जाती है।
तो थैंक यू शिखा. फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले छोटी सी स्टोरी बताएंगे और फिर मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे. ओके, तो थोड़ा सा जैसे स्कूल में आए तो एक स्टोरी सुनते हैं, काफी बार सुना भी चुकी हूँ बट अगेन मुझे अच्छी लगती है जी स्टोरी. तो जो है हमारे एक राजा की स्टोरी बताते हैं फिर से. सुबह सुबह राजा जो है ऐसे ही अनाउंस करते हैं कि ना ये हमारे गांव में नदी है और ये नदी जो है इसमें मैजिक है. ये नदी में जो भी रात को 3 बजे डुबकी लगाएगा वो परी बन जाएगा. ठीक है, सो ऐसा अनाउंसमेंट बंदर लोग भी सुनते हैं. तो बंदर लोग सोचते हैं कि क्या है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना, लिखना क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सीख लेंगे, कभी भी कर लेंगे, राइट. सो इस तरह से सोचते, रात होती है तो सब बंदर आराम से सो जाते हैं. इस तरह कभी होता है क्या कि हम इसमें डुबकी मारेंगे और परी बन जाएंगे इस तरह से? तो वो सो जाते आराम से. बट उनमें से एक बंदर जो रहता है वो सोचता है कि चलो रोज तो डुबकियां मारते हैं, रोज तो ट्रेनिंग लेते ही है, आज जो है 3 बजे लगा के देख लेते हैं डुबकी. सो आज हम 3 बजे जब बोल रहे हैं ऐसा कुछ मैजिक होता है तो लगा के देख लेते हैं. और वो बंदर उसमें 3 बजे जाके डुबकी लगाता है और वो परी बन जाता है. तो फ्रेंड्स जो है कोशिश करी करके देख लेते हैं, हो गया तो राइट ना. वैसे तो वो चीजें रोज ही कर रहे हैं, नहीं होती, लेकिन एक बार करके देख लिए सही तरीके से, हो गई तो चल गई तो. सो इसी तरीके से हम लोग को कोशिश करते रहनी है और सही समय पे सही एक्शन जब आप लोगे ना तो सही रिजल्ट मिलेगा. तभी आपकी जो है रफ्तार पकड़ेंगी, तभी आपकी गाड़ी जो है रफ्तार पकड़ेंगी. अच्छा, कितने लोग सोचते हैं कि वो गलतियां नहीं करते या गलतियां नहीं करनी चाहिए? कितने लोगों को लगता है गलतियां नहीं करनी चाहिए या मैं तो गलतियां करती ही नहीं हूँ? हाउ मेनी ऑफ यू? देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप मेरे सेशन में हो तो मैं आपको बैठने नहीं दूंगी, आपको मेरे साथ बातचीत करनी है चैट बॉक्स में या हैंड रेस करके. कितने लोगों को लगता है यार मैंने तो गलती नहीं करनी है, गलतियां होनी नहीं चाहिए या मैं गलती नहीं करती हूँ या गलतियां अच्छी है? एनीवन? हेलो हेलो, चलिए मंगल जी आप बताइए. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. तो कितने लोगों को लगता है कि गलती नहीं करने जितने लगता है कि गलतियां करनी चाहिए, क्योंकि गलतियां हम लोग करते हैं तो हम उसमें से सीखते हैं. तो गलतियां एक सीख देती है हमें. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी काम करो बस काम करो, चाहे वो सही हो गलत हो. अगर गलत होता है तो उसको कैसे सही कर सकते हैं वो हम देख सकते हैं इसके अंदर. राइट राइट. सो थोड़ा सा डिफरेंस है आज, समझ लीजिए. गलतियां देखो दो, ये नया जमाना है, ठीक है. गलतियां बिल्कुल, गलतियों से इंसान सीखता है और कभी गलतियां करने से मतलब काम करने से नहीं डरना, चाहे गलत हो या सही हो अपने तरफ से कोशिश करना. लेकिन नया जमाना आ गया है, ठीक है. नया जमाना कहता है कि भाई अगर किसी और ने वो गलती की है और आपको पता है वो गलतियां है, नहीं करनी चाहिए तो नहीं करना चाहिए. वो समझदारी वाला काम होता है कि वही गलतियां वापस जाके करे. नया जमाना में नया तरीका क्या कहता है कि दूसरों की गलतियों से सीख जाओ. जब हमको पता है कि ये इस तरह की गलती नहीं करनी है, कोई बता रहा है और वो रास्ता गलत है, तो वो वाली गलतियां करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं, मैं तो चलो करके देखता हूँ, फिर से उसने की होंगी लेकिन मैं वापस वो गलतियां करता हूँ और फिर सीखूंगा ना, गिरते सीखूंगा. जब पता है भाई खड्डा है, खड्डे में जाके गिरेंगे, ऑलरेडी कोई गिर रहा है तो क्यों जाना, पसंद आएगा वैसी गलती करना? हेलो हेलो मैम. हाँ जी. ग्रेट मोदी केयर मोदी मनी. ग्रेट मोदी केयर मॉर्निंग. सो वैसी गलती करना नहीं है हमको. अगर ऑलरेडी किसी ने उस रास्ते पे गया है और बताया है कि ये गलतियां नहीं करनी है तो वो गलतियां नहीं करनी है हमको. मैं एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ. हाँ जी बोलिए. हु इज दिस? हाँ मैम, प्रिंस. हाँ जी प्रिंस. मैम एक सक्सेसफुल पर्सन था, उनसे पूछा गया आपके सक्सेस का राज क्या है, तो उन्होंने कहा राइट डिसीजन. तो उनसे पूछा गया राइट डिसीजन कैसे मिला, एक्सपीरियंस है. एक्सपीरियंस किससे मिला? रॉन्ग डिसीजन से. राइट. तो रॉन्ग डिसीजन लेना जरूरी है कि मैं उसी से हम सीखेंगे और उसी से हमें एक्सपीरियंस होगा तभी हम राइट डिसीजन ले पाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस, बिल्कुल. डिसीजन लेना चाहिए, काम भी करना चाहिए और गलत और सही उससे नहीं डरना चाहिए. लेकिन इसमें एक और चीज एड ऑन करना है कि अगर पता है हमको कि ये चीजें गलत है तो वो चीज सालों सालों से
रिकॉर्डेड है कि ये रास्ते पे जाने से आपको सक्सेस नहीं मिलेंगी, तो उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। हम दूसरी चीजों में करना है, ट्राई करना है, एक्शंस लेनी है, ठीक है। सो थोड़ा सा, थोड़ी सी माइन्यूट सी लाइन है, उसका ध्यान रखना है। उसी तरह से मोदी केयर जो है, इस इंडस्ट्री में 10 गलतियां हैं जो ऑलरेडी हमारे एक्सपर्ट ने बताई है कि ये 10 गलतियां आपको नहीं करनी है। उनका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी उसमें कि आपको ये बिजनेस में ये 10 गलतियां नहीं करनी है, ओके। तो ऑलरेडी एक्सपर्ट ने एक्सपीरियंस दिया है, तो वो गलतियों का ध्यान रख के हम लोग जो है अपना काम सिस्टम की तरह करिए। सिस्टम की तरह करने से बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उनसे सीखना है, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं 10 मिस्टेक्स जो आपको रफ्तार पकड़ाएंगे आजादी के। पावर विद इन यू, राइट, रफ्तार तैयारी जीत की, ये आपके अंदर का पावर बाहर लेके आएगा। क्या है 10 कॉमन मिस्टेक? री इन्वेंट द व्हील, फॉलो द टाइम टेस्टेड सिस्टम। क्या करते हैं ना, जैसे ही सिस्टम में आते हैं, कल हमने बताया अभी 10 स्टेप बताई सिस्टम की, और वो 10 स्टेप बताई कि उसको फॉलो करना है। अब देखिए फोटो में, दुनिया में सालों सालों से गोल चक्के वाली साइकिल चला रहे, गोल चक्कों से चल रही है, राइट। इस बंदे को जाना है टॉप पे, सोचा अपना नया टायर बनाता हूँ और इसको करने की कोशिश करता हूँ, क्या होगा, गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी। जब ये वाली मिस्टेक की बात कर रही हूँ, जब दुनिया को पता है चक्का गोल होता है, मूवमेंट होता है और गाड़ी आगे बढ़ती है, वैसे ही आपको कल मैंने जब शुरुआत की 10 स्टेप बताई है, तो जब आप वो 10 की 10 स्टेप एज इट इज फॉलो करोगे, तभी इस सिस्टम में सक्सेसफुल होंगे। सो कल डूज बताए थे, फिर भी क्या होता है, इस बिजनेस में आते हैं नए और हमको लगता है, हम सभी लोग अलग अलग इंडस्ट्री से आते हैं और उनको लगता है नहीं नहीं हम कुटीज है, मुझे सब कुछ आता है, राइट, आई नो एवरीथिंग, और सीधे के सीधे पहले लोगों को जोड़ देते हैं, लोगों से बात करने चले जाते हैं, सीधे गाड़ी पांचवें गियर में डाल देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेप साइड में, राइट। हमको गोल सेटिंग नहीं करनी है, हमको लिस्ट भी नहीं बनानी है, हमको सपोर्ट चार्ट भी नहीं लेना है, और यूज तो वो बाद में देख लेंगे, पहले हम 5-10 लोगों को पांचवें गियर में गाड़ी डालते हैं और बिना यूज किए, बिना नॉलेज लिए आगे जाते हैं, और सीधे एक्सीडेंट होता है, रिजेक्शन आता है। सो जब सिस्टम बता रहा है कि आपको जो 10 स्टेप फॉलो करके करना है, तो उसी तरीके से करना है, अपना व्हील नया रिन इन्वेंट नहीं करना है। सो दिस इज द थिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल यू, ठीक है। सो ये स्टेप फॉलो करनी है। देन आता है Refusing to be teachable and coachable. सीखना नहीं है, बिजनेस ज्वाइन किया मुझे, जैसे कि मैंने कहा ना, हर इंडस्ट्री से आते कुछ अच्छे लीडर्स, अच्छे बिजनेसमैन भी रहते हैं, काफी कुछ नॉलेज रहता है। अब नाक बंद मुंह खुला कि मुझे कुछ सीखना नहीं है। मुझे एक बात बताइए, चलिए आप ज्वाइन हो गए इस बिजनेस में, आप आगे 4 लोगों को लेके आते ऐसे, ठीक है, ये मेरा 4 बंदे है, इनका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, फिर उसके बाद अच्छा है ये मेरे 2 बंदे, इनको मीटिंग दिखा दीजिए। तो आप कब सीखोगे, ज्वाइन तो हो जाएंगे लेकिन आप कब सीखोगे, जब वो देखेंगे कि आप ही नहीं सीख रहे हो, आप उनके अपलाइन हो, आपको ही नहीं आ रहा, तो वो ओवर अ पीरियड वो भी आपको कॉपी करेंगे, अरे ये तो नहीं कर रहा, मैं भी 4 बंदे लेके आता हूँ, ये है सिखा देंगे, राइट। सो जहां सीखना खत्म वहां जीतना खत्म, ये बिजनेस ही सीखने और सिखाने का है, कॉपी का बिजनेस है। वो कहते हैं ना, अपलाइन से सीखो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ ऐसे। सो करना ऐसा है, अपलाइन से सीखना है, पहले सीखना है और फिर वो सीखा हुआ अपने डाउनलाइन को सिखाना है। लेकिन होता कैसे है कि अपलाइन जो है, अपलाइन के पास लेके जाओ ऐसे, डाउनलाइन को बताओ वैसे, तुम काम करो वैसे, और बीच में कुछ नहीं करके कोशिश चाहते कमाओ पैसे। सो वी आर ब्रेकिंग द रूल, सीखे बिना ही सब कुछ करने की कोशिश करते हो तो नहीं होगा ना। सो आपको सीखना है, आपको भी अपने अपलाइन के जैसे बनना है, ताकि आपके नीचे भी डाउनलाइन आपसे सीख सके, दे कॉपी यू, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आप सीखने के लिए कमिटेड नहीं हो, कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। आप कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस, स्कूल में भी जाओ, तो आपको सबसे पहली चीज है उस बिजनेस के बारे में सीखना, क्योंकि जब आप सीखोगे तभी आप सिखाओगे, जब सिखाओगे तभी पैसे कमाओगे। सो ये चीजें नहीं करनी है, सीखना है, सिखाना है और आगे बढ़ना है। सो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो काफी लोग करते हैं कि भाई मीटिंग्स में नहीं जाना है, क्या मिलने वाला है, मुझे तो सब कुछ आता है, वही बताएंगे, और अभी मैं किसी से बोलूं चलिए 10 स्टेप बता दो शुरुआत की, ऐसी की वैसी,
या परिवर्तन का प्रेजेंटेशन बता दो, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है जो सिस्टम के डेमोज है, प्रेजेंटेशन है और शुरुआत है, डाउन टू डस्क है, क्या ये सारी चीजें मुझे आने लगी है, क्या मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आने लगी है, क्या मुझे लोगों को इनविटेशन करना अच्छे से आने लगा है, गोल सेटिंग आने लगी है। अगर ये चीजें नहीं आती तो मुझे मीटिंग में जाते रहना है। जितना आप ये चीजों को सीखोगे उतना आप अपने ग्रोथ करोगे, अपने चेक की तरफ बढ़ोगे। बिकॉज ये हमने शुरू से किया था, जिस दिन से ज्वाइन हुए थे कोई मीटिंग नहीं छोड़ी, जितनी भी मीटिंग हो कितने भी दूर जाना पड़े जाके अटेंड करते थे। हाँ, शुरू में जब मैं भी रजिस्ट्रेशन किया था तो मुझे भी ऐसे लगता था मुझे सब कुछ आता है, ये मीटिंग क्या है, और उसी कारण शुरुआत ही नहीं हुई थी बिजनेस की। लेकिन जिस दिन शुरुआत की बिजनेस की उस दिन से एक मीटिंग भी नहीं छोड़ी, अपलाइन की हो या किसी भी लीडर्स की हो, बीबीएस हो, ऑलवेज अटेंडेड दैट, और उसी से जितना सीखा है उसी का रिजल्ट है आज जहाँ पे पहुंचे। तो आपको अपने आप से पूछना है, आप सभी जो न्यू लोग हैं, सीखने के लिए कि मुझे आज प्रेजेंटेशन दिखाना है किसी को, तो क्या मैं किसी को प्रेजेंटेशन दिखा सकती हूँ? क्या मुझे अभी बोला गया कि आप 5 डेमो दिखा दो, तो क्या मुझे वो 5 डेमो आते? नहीं आते तो पहले आप निकालिए और अपलाइन के साथ बैठ के वो सीख जाइए। अगर आपको वो प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा, कंपनी के बारे में नहीं पता, या आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, पे आउट के बारे में नहीं पता, बैठिए और सीखिए। इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, सीखोगे। और फिर आपकी जब नीचे टीम में कोई आपसे पूछने आएगा ना, और जब आप उसको आंसर दोगे, दैट इज योर सक्सेस। जब आप उसको एक ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकोगे, दैट इज योर सक्सेस, राइट? सो ये गलती नहीं करनी है, सीखना है और सिखाना है। बट लोग ये गलती करते हैं कि ट्रेनिंग में नहीं जाना है, मुझे सीखने की क्या जरूरत है, मुझे तो सब कुछ आता है, राइट? सब कुछ आता है तो ये सारी चीजें क्रॉस चेक करना है। ओके, जिस दिन आएगा उस दिन फिर सोच सकते हैं कि जाओ या नहीं। ओके, नेक्स्ट, थिंकिंग शॉर्ट टर्म। लोगों को लगता है ये बिजनेस जो है शॉर्ट टर्म का है, राइट? नेटवर्क इंडस्ट्री में आप आए हो तो समझ लीजिए, आप कोई भी नेटवर्क इंडस्ट्री सोचिए, कोई भी बिजनेस आप करते हो तो उसको सालों साल लगते सेट करने के लिए, एक अच्छी अर्निंग में जाने के लिए आपको 2 से 5 साल का माइंडसेट अपना रखना है डेवलप करने के लिए। होता क्या है यहाँ पे कि ज्वाइन कर लिया, अरे रोशनी मैंने तो बहुत मेहनत की, पूरा महीना मेहनत किया, देखो मेरा चेक, फिर अगले महीने फिर मेहनत की, देखो मेरा चेक। अब आप शुरू ही किए हो और आप हर महीने ऐसा छोटा छोटा देखते रहोगे और एक्सपेक्ट बहुत बड़ा करोगे कि 2-3 महीनों में एक गजब का रिजल्ट आ जाए। सिंपल सी चीज है, जैसे हमको शुरू में ही अपने गोल सेट करना है, समझ लेना है कि भाई मुझे 10,000 कमाने के लिए कितना मेहनत करनी है, कितने ज्वाइनिंग्स करने हैं, और मुझे 50,000 करने के लिए क्या करने है, 1,00,000 करने के लिए क्या करनी है। उसके बाद आप देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद आपको कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करिए, सीखिए और काम करिए। हर कदम पे अगर हम सोचेंगे कि नहीं मुझे 3 महीने में भी 50,000-1,00,000 आ जाए, तो ये आपका शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है जहाँ पे आप रातों रात अमीर बन जाओ। जनरेशन का बिजनेस है, सिस्टम के साथ आगे बढ़ना है। आपको बताओ, आप सबसे पहले जो आपको ये बिजनेस में मिलने वाला है वो जो हमारा टैगलाइन बोलता है, सोच बदलो खुद को बदलो। पहले तो आपकी सोच बदलनी है, आपको बिलीव डेवलप करना है कि यहाँ पे होता है, राइट? आपकी जब सोच बदलेंगी आपको खुद को विश्वास होगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं इन ऊंचाइयों पे जहाँ दूसरे लोग पहुंचे हैं मैं भी पहुंच सकता हूँ। और उसको पाने के लिए जब आप खुद को चेंज करते हो और जब आप काम करना शुरू करते हो, जो आप छोटे छोटे अचीवमेंट होते हैं ना, तो आप में परिवर्तन आता है, खुद में परिवर्तन, वो आपकी सक्सेस की स्टेप्स है। पैसा तो आएगा ही आएगा, वो तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन आप खुद में नोटिस करिए कि आप में क्या ग्रोथ हो रहा है। जैसे जैसे आपका पर्सनल ग्रोथ होने लगेगा, वैसे वैसे आपके बिजनेस का और आपकी टीम का ग्रोथ होने लगेगा, और उसको टाइम लगता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है चाइनीज बैम्बो का, 5 साल तक जो है लगता है उसको बाहर निकलने में। अगर वो 5 साल से पहले छोड़ दिया, चलो 4 साल तक कर रहे हैं और उसके बाद छोड़ दिया, रिजल्ट 0, एफर्ट वेस्ट। सोचिए, आइंस्टाइन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उन्होंने 9999 टाइम ट्राई किया, अगर वो 1000वीं टाइम ट्राई करके छोड़ देते थे तो आज का आविष्कार होता था? करना तब तक है जब तक नहीं होता, राइट? शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है, अपने लिए एक ही टर्म है, राइट? वो टर्म क्या है, आई विल डू अंटिल इट इज डन, राइट? मैं तब तक करूंगी जब तक नहीं होता, और तब तक मुझे देखना, सिर्फ एक ही चीज देखना है, मेरा ये पहुंचा कि नहीं। ओके, इसके लिए जितना करना था मैंने वो काम किया या नहीं,
अगर उसके लिए जितना काम करना था आपने नहीं किया है, आप उसमें और एडवांस फिर करो एंड अपने आप को खुद इफेक्टिवली काम करना है, अपने आप को कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करना है, एक्सेप्ट करना है कि ये चीजें मुझे नहीं आती, लेकिन हर चीज जो है यहाँ पे पॉसिबल है। आप हर कोई सीख सकता है, हर कोई अच्छा प्रेजेंटर बन सकता है, हर कोई अच्छा क्लोजिंग कर सकता है, सीखना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप बोल सकोगे, ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकोगे, एंड इट विल टेक टाइम। शॉर्ट टर्म का कभी मेंटेलिटी नहीं रखना किसी भी बिजनेस में, राइट? सो हर एक चीज का एक टाइम होता है। हाँ, भगवान देखता रहता है, आपका टाइम कम लग सकता है, मेरा जैसे 20 months लगे बिकॉज मैंने कम समय में बहुत स्पीड से काम किया। अगर संगीता मेरी हर चीज की गवाह है, अगर वो मेरी पूरी रिकॉर्डिंग आपको दिखा दी जाए तो आज भी मैं 16 घंटे काम करती हूँ, आराम से 2 लाख रुपए आते हैं, तो वाई शुड आई? बट आई एम वर्किंग बिकॉज आई वॉन्ट माई टीम टू अर्न दैट। आगे की सोच के उनके लिए कि उनकी राह आसान हो, तो लॉन्ग टर्म सोच के काम करना है। आप अकेले इस बिजनेस में सक्सेसफुल के लिए नहीं आए हो, आपके साथ आपको लोगों को भी सक्सेसफुल बनाना है। सो काम करना है, निरंतर काम करना है, पैसा यहाँ गारंटी के साथ आता ही आता है, राइट? शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है, लॉन्ग टर्म काम करना है। सिर्फ सपने नहीं देखने, सपने देखने और एक्शन नहीं करोगे तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने होंगे। सपनों के साथ साथ उस पे जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो करना है। नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल, दोस्तों ये बिजनेस लोगों का ही है, लेकिन गलती क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे ही ज्वाइन होते हैं हमने कहा लिस्ट बनाइए। अभी आप लोग खुद से अपने आप से पूछिए, आप में से कितने लोगों ने लिस्ट बनाई? हर बार हजारों बार शुरुआत देख चुके हैं, लेकिन आज वापस अपने आप से पूछिए, आप 39 में से मेरे को छोड़ के यहाँ जितना, आप सब अपने आप से पूछिए कि क्या मैंने अपनी लिस्ट बनाई है, क्या मैंने सभी लोगों की लिस्ट बनाई है? ठीक है, अब यहाँ गलती करते बात क्यों नहीं करते, क्योंकि लिस्ट नहीं बनती। लिस्ट क्यों नहीं बनती? बिकॉज हम शुरू में ही सोचते अच्छा ये तो नहीं करेगा, ये तो ऐसा है, ये तो वो बोलेगा, वगैरह 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 वगैरह। सो बस जहाँ आप 100 लोगों को जानते हो उसमें से 75 लोगों को तो आप खुद ही रिजेक्ट कर देते हो। खुद ने ही रिजेक्ट किया, हाँ खुद ने ही नो, पहले 75 पे नो ला ली और फिर 20-25 लोगों की लिस्ट बना दी, और उसमें से जाके लिस्ट भी नहीं बनाई प्रॉपरली, जाके 4-5 लोगों से बात किया, वो भी सिस्टम फॉलो नहीं करके, विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ ऑफलाइन। आप अपने हिसाब से विदाउट टेकिंग वो पहला वाला स्टेप जो था ना, रीइन्वेंट द व्हील, चले गए सीधे बात करने की, देखो बढ़िया सिस्टम है ना, तो प्रोडक्ट यूज किए, जाके बात की, और तो दुनिया में ज्ञानी लोग बैठे हुए, वो तो देखते कि आप कितना सीख के आए हो। आप सीख के नहीं गए, आप सीधे चले गए बात करने, 4-5 लोगों ने आपको ना बोल दी, खत्म, दी एंड। आपको लगता है पूरी दुनिया में इसको सब ना ही बोल रहे? मुझे बताइए, अगर आपके 4-5 लोग मना करने से ये खत्म हो जाता तो आज तक मोदी का 25 साल से चलता नहीं। आपके 4-5 लोगों के मना करने से जो है ये बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है, तो आज इस बिजनेस में आपको लोग सक्सेसफुल जो दिख रहे हैं वो नहीं होते। आज इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री नहीं होती। सो इट मीन्स वहां पे आपको समझना है कि मैंने सिस्टम फॉलो नहीं किया, और ब्रेकिंग द रूल्स, लोगों से बात करने से पहले लिस्ट बनानी है, उन सभी लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको जानते हो और ये बेसिक प्रोडक्ट यूज करते, और हर किसी से बात करना है। 75 लोगों को आपने रिजेक्ट किया वो चला, ठीक है, आप 100 को जानते हो उसमें से आपने क्या कर दिया, सिर्फ 25 लोगों के नाम लिखे, 75 को तो आप रिजेक्ट कर दिए, और आप कहते हो कि हम किसी को नो नहीं बोलते, राइट? वो चला आपको, लेकिन 5 लोगों ने आपको नो बोल दिया तो आपका लोगों से बात करना खत्म हो गया, आपको फोन भारी लगने लगा, आप फिर लोगों से बात करना बंद कर दिया। वो तो छोड़िए, आप ऑफलाइन का फोन उठाना भी बंद कर देते कि भाई अबाउट ज्वाइन किया, खुद ही जाके बात कर लिए 4 लोगों से, अब वहां से निगेटिव रिस्पॉन्स आया, अब ऑफलाइन से भी फोन नहीं उठाएंगे, लगता है इन्होंने कहा हमको लाके डाल दिया है, राइट? तो ये सारी गलतियां हम करते हैं जो मैक्सिमम लोग कर चुके और अभी भी करते हैं, और इसको करके सक्सेस नहीं हासिल कर पाते। सो आपको जैसा बताया जाता है लिस्ट बनानी है, हर दिन 5 से 10 लोगों से बात करनी, मैं आज भी करती हूँ, आज भी मेरे कॉन्टेक्ट है जिनसे बहुत दिनों से बात नहीं हूँ, हर दिन 5 से 6 नए लोगों से बात करती ही करती हूँ, रिलेशनशिप बिल्डअप करती हूँ, राइट? ओवर अ पीरियड वो कन्वर्ट होते हैं ज्वाइनिंग्स में। सो आपको करना है, ओनली वे टू ग्रो बिजनेस इज टू कंसिस्टेंटली इंट्रोड्यूस न्यू फेसेस।
एक बात ध्यान में रखना है, बिजनेस में आपके टीम में नए नए फेसेस आना जरूरी है। जहां आपके बिजनेस में वही लोग दिखेंगे तो ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो वो कब पॉसिबल होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें। कभी फिर कहते हैं कि हो गई हमारी लिस्ट खत्म हो गई, बात किया अपलाइन ने, अरे मैंने ना बात करी, मैंने ना तो पांच सात लोगों से बात की, अभी तो मेरी लिस्ट खत्म ही हो गई। आप अपनी लाइफ में कम से कम हर इंसान 500 लोगों को जानता है। मैंने माइंड मैप भी सिखाया था, वापस वो सेशन लूंगी। हर इंसान 500 से ज्यादा लोगों को जानता है जो सुबह उठ के ब्रश करते चाय पीते, उन सबके पास जाना है। और अगर लिस्ट भी खत्म हो जाती है ना आपकी, तो आपको ये बिजनेस में डिसाइड करना है कि मुझे पैसे कमाना है या नहीं। अगर आपको पैसे कमाना है और ये बिजनेस में पैसे आते हैं, तो ये रीजन भी हट जाना चाहिए कि मेरी लिस्ट खत्म हो गई। क्योंकि दुनिया की लिस्ट खत्म नहीं हुई, दुनिया के लोग खत्म नहीं हुए। और इस दुनिया में हम जब बर्थ होती है हमारी, तो बाय बर्थ हम सभी को नहीं जानते। हम जैसे जैसे लोगों से इंटरेक्शन होता है, हम लोगों को जानने लगते हैं। तो बढ़ाइए दोस्ती, हर दिन एक नए बंदे से मिलिए, अप्रोच करिए। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या आपके माइंड मैप में जाइए, अपने रिलेटिव्स में, अपने बिल्डिंग में, फ्रेंड का फ्रेंड, फ्रेंड का फ्रेंड, ऐसे अप्रोच करते हुए। आपका डिजायर स्ट्रांग होना चाहिए पाने का, सो ये आपको कभी नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों से, जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे ना, उतना ही आपका एडवेंचर बन जाएगा। टॉकिंग टू पीपल, ये सोच के नहीं बात करना है, शिकार की तरह काम नहीं करना है, राइट? कि भाई इसको तो फर्स्ट ले ले, जो भी दिख रहा है आपको शिकार की तरह नहीं दिखना चाहिए। आप इस तरह से बात करना है, इस तरह से लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करना है कि अब मैं कितने लोगों की लाइफ में चेंज लाने वाला हूँ, अब मैं कितने लोगों की लाइफ चेंज कर सकता हूँ। सो हमेशा गॉड से यही प्रे करना कि थैंक गॉड प्लीज, जो भी इंसान है उनको विजडम दे, ताकि ये अपॉर्चुनिटी समझ सके और उसकी लाइफ में चेंज आ सके। सो ऑलवेज टॉक टू मोर पीपल, लोगों का बिजनेस है, बात करोगे तो बात बनेगी, राइट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? यस मैम। ओके, सो समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ हम लोग गलतियां कर रहे हैं? चैट बॉक्स में आप लिखते रहिए कुछ कुछ, राइट? सो अच्छा लगेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोग गलतियां करते हैं। सारी गलतियां बिल्कुल ना रेड कलर से लिखिए, मैं तो बोलूंगी अपनी डायरी में, और एक पेपर से लिख के और उसको लगा दीजिए, और आप आज रियलाइज भी करिए कि मैं ये गलती कर रहा हूँ या नहीं, और उसको एक्सेप्ट करिए और उसको करेक्ट करिए। गलतियां सब करते हैं, गलतियां करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलतियों में बंधे रहना और उसको बार बार करना, ये बहुत बड़ी गलती है। उसको एनालाइज करके उसको करेक्ट करिए और आगे बढ़िए। ओके, नॉट हैविंग अ बिजनेस ओनर मेंटेलिटी। बिजनेस जब हम बात करते हैं, दिखाते हैं प्लान, इसमें इतना इतना पैसा है, चलो मैं बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन ज्वाइन करने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? बिजनेस ओनर मेंटेलिटी है कि है या एक कंज्यूमर है, दोनों में बीच में फंस के रह जाते हैं। शुरुआत तो ये होती है, हम बताते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मतलब पहला काम आपको शॉप चेंज करना है। शॉप चेंज करके ये बिजनेस शुरू होता है। सो अब शॉप चेंज करना, जो हमारी शॉप थी उसको चेंज करना है। जब ये पहली स्टेप आप नहीं करोगे तो आप में बिजनेस ओनरशिप नहीं आएंगे। आप मोदी केयर से नहीं जुड़े, बिजनेस से नहीं जुड़े, वहां पे ही हम अटक जाते हैं। यार ये खरीदना पड़ेगा क्या, ये लेना पड़ेगा? भाई पहला ही दिन आपको बताया है कि बिजनेस मतलब आपकी शॉप चेंज करना। आप पहली स्टेप ही नहीं कर रहे हो, आप कंज्यूमर भी नहीं बन रहे हो प्रॉपर, तो आप बिजनेस ओनर कैसे बन सकते हो? आप लाखों रुपए कैसे कमा सकते हो? आपको क्यों रिमाइंडर देना पड़ता है अपलायंस को या ग्रुप में कि भाई आपको आपका परचेस करना है? अगर आपकी दुकान आप लेते हो तो क्या आपको कोई पड़ोसी आके बोलता है या कोई आपका रिश्तेदार आके बोलता है कि दुकान में सामान रखिए? कि आप खुद करते हो, नहीं नहीं मेरा ये आना चाहिए, ये प्रमोट होना चाहिए। तो वो मेंटेलिटी लाइए। अगर आपके घर में वो प्रोडक्ट है भी दूसरी कंपनी का, लेकिन मोदी केयर में है और आप सीरियस हो इस बिजनेस के लिए, तो आप वो प्रोडक्ट मोदी केयर का ही लेके आओगे। आपको वेट नहीं करना है। आप क्या कर रहे हो, 3 महीने डिले कर रहे हो अपनी सक्सेस को। उसको वेट नहीं करना है, आपको रिप्लेस करना है। कंज्यूमर वाली मेंटेलिटी रख के बिजनेस से अर्निंग की एक्सपेक्टेशन इज अ रॉन्ग थिंग। वो संजय सर ने बताया था ना, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज, व्हेन योर वैल्यूज मीट विद द प्रिंसिपल यू विल गेट द रिजल्ट। सो इस बिजनेस का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप पहले अपनी शॉप चेंज करो, आप वो प्रोडक्ट को यूज करो, राइट? उसके बाद ही आप जो है ये बिजनेस में सक्सेस हासिल कर सकते हो। सो ये प्रिंसिपल आप ब्रेक करते हो, ये गलती करते हो, वो मेंटेलिटी नहीं लाते हो बिजनेस ओनर वाली। तो
आपको सक्सेस नहीं, एकदम सक्सेस नहीं मिलती. ट्रीट दिस लाइक अ रियल बिजनेस एक्ट इफ यू आर अ मिलियन डॉलर इन्वेस्टर. दूसरी बात, आपको लगता है मेरा तो क्या है इसमें, मेरा तो कुछ इन्वेस्ट ही नहीं हुआ, लेकिन फ्रेंड इस बिजनेस में हमारे समीर मोदी जी ने आपके लिए जो किया है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए इतना बड़ा सेटअप बनाने के लिए, इतने लोगों को सैलरी देते, इनकम देते, क्यों? ताकि आप लोग आसानी से बिजनेस कर लें. अब आप सोचिए, आप इसको इस तरीके से सोचिए कि आपने 20-25 लाख रुपए डाले इस बिजनेस में, और फिर आप इसको कैसे करोगे, और आपको इस बिजनेस से लाखों कमाने हैं और उसके लिए आपने 20-25 लाख भी डाले, तो क्या आपको ट्रेनिंग के लिए बोलना पड़ेगा कि आप ट्रेनिंग में आओ? तो क्या आपको बोलना पड़ेगा प्रोडक्ट परचेस करो? तो क्या आपको बोलना पड़ेगा कि आप प्रेजेंटेशन सीखो, आप लोगों के पास अप्रोच करो, आप प्लान दिखाओ, लोगों से बात करो? जब हम 20-25 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो सुबह हो ना हो, सुबह 6 बजे उठ के दुकान का शटर जरूर खोलते हैं और 12 बजे तक रखते हैं. अगर कोई भी कस्टमर आ गया तो जॉब पे जाते हैं. अगर हमको वहां पे 50,000 1 लाख की अर्निंग भी मिल रही है या 20-25,000 भी मिल रहा है, सुबह उठ के कितनी भी बारिश होंगी, मैंने देखा है मुंबई में इतनी बारिश में लोग ट्रेन में लटकते हुए, बस में लटकते हुए जाते. तो इसको भी वही ओनरशिप के साथ करना है, इसको भी उस मेंटालिटी के साथ जब आप करोगे तो जहाँ जो वहां मिलता है वो यहाँ मिलेगा. तो ऑलवेज आपके जो वैल्यूज है वो प्रिंसिपल से मैच होना चाहिए. प्रिंसिपल ये है और आपके वैल्यूज अलग है, आप उस तरह का काम ही नहीं कर रहे, आपका रिएक्शन उस तरह का नहीं है, वो मेंटालिटी ही नहीं है, तो आपको नहीं आएगा. आपको प्रायोरिटी अपने बिजनेस को देना है. आप सोचिए, आपने अपना बिजनेस खोला है, ठीक है, तो आप बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो बिजनेस में काम है, तो आप वो काम छोड़ के क्या दिवाली फंक्शन में जाओगे? अगर वो इम्पोर्टेंट है बिजनेस में तो आप पहले वो अटेंड करोगे, करेक्ट? अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज के लिए जाओगे, किसको प्रायोरिटी दोगे? इस बिजनेस को ही प्रायोरिटी दोगे ना, करेक्ट? तो वो प्रायोरिटी देना है यहाँ पे आपके बिजनेस को, छोटे छोटे चीजों को इग्नोर करना है. नेक्स्ट ना म्यूट कर दीजिए प्लीज प्रतीक सबको. तो एक और हैबिट रहती है कि प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं कि कल कर लेंगे, परसों. अच्छा, प्लान दिखाना है. मेरी आदत तो नहीं थी, बचपन में सिर्फ एक चीज अच्छी लगती थी, जब भी ट्यूशन क्लासेस में जाते थे ना और उस दिन छुट्टी मिल गई तो बड़ा अच्छा लगता था. हाँ चलो आराम करेंगे, मजा करेंगे. वैसे ही मीटिंग, अगर मीटिंग में नहीं जाना पड़े तो चलो आराम. क्या कर रहे हो आप उस मीटिंग के टाइम में? आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हो, चलो आपको मीटिंग में जाना था, आप नहीं गए, और आपने ये बिजनेस में सोचा है आपने लाखों रुपए कमाना है, तो आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हो जो आपकी लाइफ में वो उतना ही प्रोडक्टिव रिजल्ट दे रहा है या आपके बिजनेस में उतना प्रोडक्टिव रिजल्ट दे रहा है? आस्क योरसेल्फ. आपने कुछ डिले कर दिया, चलो डेमो दिखाना था, प्रोस्पेक्ट से मिलना था, और आपने पोस्टपोन कर दिया. आप जो काम कर रहे हो वो आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एड करेगा, कितना वैल्यू एड करेगा आपके बिजनेस में, कितना आगे आपको लेके जाएगा, या आपको कुछ समय के लिए टेम्पररी फील गुड कराएगा? चल यार आराम कर लेते हैं, चलो ये खेल के आ जाते हैं, ये फील गुड थोड़ी देर का है फ्रेंड्स, लेकिन ये बिजनेस आपकी जनरेशन का है. जितना आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे उतनी आपकी सक्सेस डिले होंगी, और फिर आप खुद ही सोचोगे अरे कुछ हो नहीं रहा. क्योंकि क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज आप नहीं कर पा रहे हो. तो ये गलती नहीं करनी है. जो कल करे सो आज कर, आज करे सो आप. आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आपने जो समय जिस समय जो काम डिसाइड किया है वो करिए. बिकॉज लोग आपको देखते रहते हैं कि भाई ये बंदा अपने टाइम का, अपने कमिटमेंट का कितना वैल्यू रखता है, राइट? सो चीजें जब आप डिले करोगे तो आपकी टीम भी डिले करेंगी, वो भी ऐसे ही आगे बढ़ाती रहेंगी, सेम डुप्लीकेशन होता है. सो आगे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, इमीडिएट एक्शन चाहिए. इस बिजनेस में हम सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि हमने लास्ट ईयर जब कोविड आया था, आपको बता दूं लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था, प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल थे, महीनों तक एक एक महीना डेढ़ महीना डिलीवरी नहीं मिल रही थी. हम न्यू टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हुए थे, जूम नहीं आता था, टीम को भी नहीं आता था, और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं की. उस समय जिन लोगों ने प्रोक्रेस्टिनेट किया कि चलो लॉकडाउन खुलने पर काम करेंगे, चलो लॉकडाउन की प्रोडक्ट मिलने पर हम शुरू करेंगे, राइट, और ऑनलाइन तो जाएंगे नहीं, ऑफलाइन में ही काम करेंगे, आज वो कहीं नहीं है, आज वो आगे नहीं बढ़े. लेकिन हमने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं की, जो समय की डिमांड थी उस पर इमीडिएट एक्शन किया. दैट्स वाई वी आर हियर, राइट? तो कोई भी आपके काम जो आपके बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड है उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है. टेकिंग रिजेक्शन टू हार्ट. रिजेक्शन को दिल से नहीं लेना है,
हमेशा मैं कहती हूँ आपका एंथुजियाज्म हाई रखना है इन स्पाइट ऑफ जो भी सेटबैक। सी जो रिजेक्शन आते हैं वो रिजेक्शन आपके लिए नहीं रहते। और जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि जब आप खुद लिस्ट बनाते हो तो 75-200 लोगों को तो आप ही रिजेक्ट कर देते हो, और जब सामने से एक दो रिजेक्शन आते हैं तो आप उसके लिए इतना दिल से ले लेते हो, अरे वो तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा, वो तो मेरा सुन ही नहीं रहा है, वो तो मेरे को इग्नोर कर रहा है। रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ इट। आप कोई भी बिजनेस में जाओ, आप 100 लोगों से बात करोगे तो ही आपको उसमें से 10 लोग कन्वर्ट होते हैं। आप खुद अपने से पूछिए कि इतने बड़े बड़े शोरूम, इतने बड़े बड़े शोरूम खुले हैं, वहां पे कितने लोग जाते हैं, गाड़ियां देखने जाते हैं, बाइक देखने जाते हैं, फर्नीचर देखने जाते हैं, सबके सब खरीदते हैं, सबके सब लेते हैं। तो क्या वो करोड़ों रुपए डालने वाला जो फर्नीचर वाला है वो अपना शोरूम बंद कर देता है? दैट इज वो पर्सन की उस समय वो माइंडसेट नहीं है, मेंटेलिटी नहीं है, इसलिए उस चीज को ना बोल रहा है। रिजेक्शन इज नॉट टू यू। ये बिजनेस का सबसे बढ़िया चीज है नो। जितना आप नो लोगे, जितना आप नो को प्यार करोगे, उतना वो आपकी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। सो रिजेक्शन को कभी दिल से नहीं लेखना है। टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्टीज। अब जो है बार बार डाउट करेंगे, ठीक है, बिजनेस शुरू किया, रजिस्ट्रेशन किया, दोस्त से जाके पूछेंगे जिसको इस बिजनेस का ABCD भी नहीं पता, सिर्फ सुना है किसी से, अरे वो मेरी पड़ोसी है ना, उसकी आंटी ने या उसकी चाची ने, वो चाची की बेटी ने किया था। कुछ होता नहीं है, किया 2-3 महीने सामान लिया और छोड़ दिया। कुछ ये उससे सिस्टम फॉलो किया था क्या? कंपनी ने जब बोला था सिस्टम फॉलो करना है, सिस्टम फॉलो किया नहीं था तो सक्सेस कैसे मिलेंगी? आप किस जितने भी फेलियर लोग हैं उनकी लिस्ट ला लीजिए और सामने आप 10 स्टेप सक्सेस के रख दीजिए। गारंटी के साथ बोलती हूँ, फेलियर का रीजन इज दे आर नॉट फॉलोइंग द सिस्टम, ठीक है। सो उन लोगों से एडवाइस नहीं लेनी है जिसको इस बिजनेस का ABCD नहीं पता है। चाहे आप स्पोर्ट्स में हो तो आप जो उस बिजनेस के एक्सपर्टीज है उनसे पूछिए, जिस काम का करना है उस बिजनेस से एक्सपर्टीज से लोगे तो ही आपको राइट डायरेक्शन मिलेगा। इन शॉर्ट, जिसके जैसा बनना है ना उसी से सजेशन लो, जिसके जिससे सजेशन ले रहे हो राइट उसके जैसा बन जाओगे। सो जो बंदा बैठा है आपको बोल रहा है अरे तू छोड़ दे, मैं तो फेलियर हूँ, तू भी मेरे बाजू में बैठ जा, आके कप मारेंगे और जिंदगी काटेंगे। सो जिसके जैसा बनना है सिर्फ लाइफ में उसी से एडवाइस लेना है, एक्सपर्ट से, ठीक है, नॉन एक्सपर्ट से एडवाइस नहीं लेनी है। टॉकिंग निगेटिव, नेवर स्पीक निगेटिव टू एनीवन अबाउट एनीवन। किसी के बारे में भी निगेटिव बोलना भी नहीं है और सोचना भी नहीं है, राइट, किसी के बारे में। बिकॉज क्या होता है फ्रेंड्स, जो निगेटिव थॉट्स जो है सबसे पहले आपके ही माइंड में जाते हैं। और यहाँ पे तो मैं आऊंगी, चलिए एक दो जन मेरे साथ हमेशा, कल भी मैंने कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स बताई थी लाइव रोल प्ले करके, तो यहाँ पे कौन मेरे साथ आना चाहेगा? एक एक क्वेश्चन पूछिए कि जब हम किसी के बारे में, दो ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, ठीक है, या आप अपने आप से पूछिए कि जब मैं किसी के बारे में निगेटिव बोलती हूँ या निगेटिव सोचती हूँ तब मुझे बहुत अच्छा फील होता है, या जब मैं किसी के बारे में अच्छा बोलती हूँ, अच्छा एडिफाई करती हूँ तब मुझे अच्छा लगता है? कौन सा ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में यू फील कॉन्फिडेंट, यू फील गुड? सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में, राइट। फर्स्ट ऑप्शन जितने बार भी करो, ह्यूमन नेचर है, आ जाता है, ह्यूमन नेचर है, अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखिए कि इसको बोलने से आपके अंदर कौन सी वाइब्स आ रही है, इसके अंदर आने से क्या आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है? आपने किसी के बारे में कुछ निगेटिव बोला, अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं, ये तो मेरा फोन उठाता ही नहीं, ये तो मेरे को गाइड करता ही नहीं, राइट, वॉट एवर यू आर सेइंग, उसको बोलने से आपको पॉजिटिव मिल रहा है क्या? नहीं मिलता। तो जब हमको वहां से कुछ मिल ही नहीं रहा है वो काम करने से, और अंदर ही अंदर आपको भी ना थोड़ा सा बुरा लगता है, हर इंसान के बारे में आप गलत बोलेंगे या निगेटिव बोलेंगे ना, अंदर से एक थोड़ा सा गिल्ट फील होता है, वो करवाहट सी मन में महसूस होती है। सो क्यों, जो चाहते हैं वो बोलिए, राइट। आप मम्मी ने मेरी सिखाया था, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना तो बुरा नहीं करना। लाइफ में हमेशा ये चीज याद रखना फ्रेंड, कि कभी किसी का अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा नहीं करना है। आइदर बी न्यूट्रल और गिव समथिंग टू समवन। यही मैंने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। या तो आप न्यूट्रल रहिए कोई बात नहीं, लेकिन या तो आप अच्छा करिए, दैट विल गिव यू हैप्पीनेस, राइट। सब एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, सो रहे हैं या जाग रहे हैं? भाई सुला तो नहीं दिया मैंने आप सभी को? सो काम क्वाइट, आवाज नहीं आ रही कहीं से,
हाई जोश मैम. यस, तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. सुन ले, हाँ तो बीच में बोलते रहिए वरना पता चला सब यहाँ पे सुबह सुबह नोरी सुना दी. सो ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव. जब आप सामने वाले से के बारे में पॉजिटिव बोलते हो तो आपकी उससे रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है. ठीक है, आप उसमें वो चीजें ट्रांसफर करते हो सकता है वो कुछ निगेटिव बातें उसमें हो, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करती है. राइट, हम देखेंगे कि अरे इसमें ये गलत चीज है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि वो बंदा इस तरह से नहीं हो तो पहले आप पॉजिटिव रहिए, उसकी पॉजिटिव चीजों पे फोकस करिए, उसके साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा बिल्ड करिए ट्रस्ट वाला, तो देखिए वो आगे चीजें चेंज होती है. तो लेट्स नॉट टॉक निगेटिव अबाउट एनीवन, किसी के बारे में निगेटिव बोलना नहीं, प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं. राइट, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये बिजनेस से ही हम अमीर बनने वाले. तो क्या एक दिमाग वाली बात ये होगी कि चाहे कंपनी की सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, वो हर जगह अप डाउन होते हैं. अपने आप में सोचिए कि हमने जिंदगी में सारी चीजें बहुत परफेक्ट की है क्या, हम एकदम अच्छा काम करते हैं क्या, हम अपनी सारी एक्सपेक्टेशन पूरी करते हैं. इफ नॉट ना देन वी शुड नॉट आस्क एनीथिंग टू एनीवन, नो निगेटिव टॉक अबाउट एनीवन. ओके, देन नॉट मैनेजिंग टाइम. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लान द वर्क, वर्क द प्लान. सबसे पहले दिन मैंने कहा था कि अपनी लिस्ट, कामों की लिस्ट बनाना शुरू करिए. मेरे साथ भी होता है, अगर मैंने जिस दिन मेरे काम प्लान नहीं किए, जिस दिन मेरी लिस्ट नहीं, तो मैं आपको सच बताती हूँ उस दिन मेरे कुछ घंटे वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि फिर मेरा इधर उधर जो आ रहा है उस पर काम कर रही हूँ, लेकिन उससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. बट व्हेन आई प्लान माय वर्क, मेरे पास टाइम भी ज्यादा निकलता है और मैं प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है. सो आप सभी को अपना टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है. टाइम मैनेजमेंट जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप सिंपल से शुरू करिए, आप अपने कामों की लिस्ट बनाइए, उसमें देखिए कौन से अनप्रोडक्टिव वर्क है उसको साइड में करिए. कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, एक ध्यान में रखना है कि मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस. आपकी पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए, या आपकी टीम की ग्रोथ होनी चाहिए, या आपके बिजनेस की ग्रोथ होनी चाहिए, या आपने एक मोमेंट ऐसा जीना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले, आपकी फैमिली को खुशी मिले. इसमें से कुछ चीज हो रही है नहीं, या सिर्फ टाइम पास हो रहा है. सो कट दोस टाइम, कट दोस टाइम, यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम देन. और फिर आप अपने जो भी वर्क कर रहे हो उसमें आप देखिए मल्टीपल आप वर्क कैसे कर सकते हो प्रोडक्टिविटी के साथ. टाइम मैनेजमेंट शुरू करिए, बिकॉज ये बहुत जरूरत है इस बिजनेस की, इनफैक्ट लाइफ की भी. आप चीजों को कमाएंगे, उसको एंजॉय करना है, तो सही टाइम मैनेजमेंट जरूर करना है. तो ये था हमारे 10 स्टेप जो हमको नहीं करने है. इसके बाद मैं कार्डिनल रूल के बारे में बताऊंगी. लेकिन टाइम मैनेजमेंट से रोज मैं एक चीज कहती हूँ कि अब टाइम मैनेजमेंट करते समय, ये बिजनेस में काफी लगे हुए हैं, तो अपनी फैमिली के साथ टाइम आपको बिताना है एक दिन का. सो एक आप सबको जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप अपलाइन को कॉपी करना चाहे तो कर सकते हो, बिकॉज आई एम लाइकिंग दैट. रात को 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मेरा फैमिली का टाइम होता है, एंड उस समय एक सीरियल आता है. टीवी देखने के लिए रिकमेंड नहीं कर रही, बट पहली बार कुछ चीज मैं रिकमेंड कर रही हूँ सीरियल की. एक वागले की दुनिया सीरियल आता है, एंड उसमें आपकी फैमिली, आपके बच्चों के साथ बैठो, उसमें इतने सारे संस्कारी बातें बताई जाती है जो हम चाहते हैं हमारी फैमिली में, हमारे पेरेंट्स ने हमको दी है. और आई वॉच दैट विद माई फैमिली एवरी डे, और बच्चों के माइंड में वो चीजें जाती है. देन वी प्ले एंड देन वी स्लीप. तो सोने से पहले पॉजिटिव चीज जाती है. तो इस तरह आप अपना भी टाइम डिफाइन कर सकते हैं, बट उसमें फैमिली का टाइम जरूर जरूर रखिए. सिर्फ काम काम नहीं होना चाहिए, आपका फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होना चाहिए. सो ये थे हमारे 10 मिस्टेक, गलतियां जो दूसरों ने की है. याद रखिए टैगलाइन, जो गलतियां दूसरों ने की है, और जब हमको सिस्टम ने बताया है कि लोग ये गलतियां करते हैं, गलतियों के कारण सक्सेसफुल नहीं हो पाते या उनकी स्पीड कम हो जाती है, तो ये 10 गलतियां नहीं करनी है. राइट, समझदारी इसी में है कि हम खुद भी ना करें और हमारे डाउनलाइंस को भी सिखाए कि देख आते ही तुमको ये गलतियों पे ध्यान रखना है, ये गलतियां नहीं करनी है. देन कम्स 3 cardinal rule. 3 cardinal rule बहुत जरूरी है बिजनेस की, जो है हार्ट लाइन, मतलब हमारी हार्ट लाइन है. इसके बिना जो है, अगर ये 3 गलतियां जो है आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं, वहां वाली गलती से थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, लेकिन ये जो 3 cardinal rules है
ये गलती आपको बिल्कुल 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 भी अलाउड नहीं है, ये आपके पूरे बिजनेस को खत्म कर देती है। सो ये चीज को आपको निकाल देना है, आपको टीम में भी शेयर करना है 3 कार्डिनल रूल्स के बारे में, जो मैं अभी अगले 5 मिनट में आपको बताऊंगी। कार्डिनल रूल्स इन मोदी केयर बिजनेस, ठीक है, आप कुछ भी नया कर रहे हो, ठीक है, आप बिजनेस में ज्वाइन हुए हो, रिसेंटली ज्वाइन हुए हो और आप लर्नर हो, तो आपको आपके अपलाइन से चेक करना है कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, क्योंकि वो 10 गलतियों में से एक हो सकता है। तो आपके जो एक्टिव अपलाइन, उन्होंने ऑलरेडी ये सारी चीजें की है, राइट, तो वो आपको हेल्प करेंगे उसको इम्प्रूव करने में। तो आप जब नए हो इस बिजनेस में, तब तक ये अलाउ नहीं है जब तक आप एक मिलेनियर नहीं बन जाते। मिलेनियर के बाद भी आप अगर चेक करोगे, आपको लगता है, तो मेरे ख्याल से चेक करना चाहिए। वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर फर्स्ट टाइम, चेक विथ योर एक्टिव अपलाइन, जो आपको लगता है एक्टिव है और इन चीजों पे काम किया है, राइट, उस लेवल के अपलाइन से आपको ये सारी चीजें चेक करनी है हमेशा। हो सकता है आप एक लेवल पे पहुंच गए, वहां पे आपके अपलाइन जो है उसके अपर अपलाइन पे आप अप्रोच कर सकते हैं जब आपको लगता है कि वहां से मुझे ये डायरेक्शन मिलेगा। बट अगर आप नए हो तो आपके एक्टिव अपलाइन से जरूर चेक करिए कि मेरे को 50 लोगों को मैसेज भेजना है, 50 लोगों को मैसेज भेज दिया आपने, तो वो किस तरीके से भेजना चाहिए, पता चला आपके 50 के 50 जो है प्रोस्पेक्ट चले गए। सो डू चेक ईच एंड एवरीथिंग विथ योर अपलाइन। आप नए होते हो, रजिस्ट्रेशन के बारे में, आपके स्ट्रक्चर के बारे में, किसी को ज्वाइन करा रहे हो, तो आप पूछिए, कीप चेकिंग। इसी से आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा रहता है और आपकी जो है गलतियां नहीं होती। नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट योर अपलाइन। बहुत सारे स्पॉन्सर होते हैं जो इतने एक्टिव नहीं रहते, बट वो आपके अपलाइन तो है, राइट, वो आपके अपलाइन तो है। जैसे आपको बता दूं, पेरेंट्स पूरी दुनिया में आप देखो, सभी के पेरेंट्स अलग अलग होते हैं, सभी के पेरेंट्स अलग अलग होते हैं। कोई बहुत एक्टिव रहता है, बहुत स्मार्ट रहता है, कुछ सिंपल सा रहता है, लेकिन एक चीज सभी अपलाइन में रहेंगी, इज लविंग केयरिंग, राइट। एक मॉरल सपोर्ट मिलता है जब आपके पास वो लविंग केयरिंग पर्सन आपके साथ रहता है। तो ये नहीं सोचना, अरे मेरा अपलाइन तो कुछ नहीं करा, किसी भी सिचुएशन में वॉट एवर ही इज, आपको एडिफाई करना है, आपको उनको रिस्पेक्ट करना है, अपने अपलाइन को हमेशा हमेशा रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि वो आपको बिजनेस में लाए और कहीं ना कहीं कोई ना कुछ सिखाने में उनका हाथ है। आप जितना कुछ सीख रहे हो डायरेक्ट आपके अपलाइन से या आपने नहीं सीखा है, आपको कहीं ना कहीं ऊपर से वो एजुकेशन आया है। सो बी ऑलवेज थैंकफुल, ऑलवेज थैंकफुल टू योर अपलाइन एंड द एंटायर टीम। सो नेवर डिसरिस्पेक्ट योर अपलाइन। नो निगेटिव टॉक टू एनीवन, इसके बारे में आपको बता दिया। नॉट टू डाउनलाइन, नॉट क्रॉसलाइन, नॉट यूर अपलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम ऐसा समय आ गया है कि जब हम सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही जगह आपको निगेटिव आप डिस्कस कर सकते हो और वो निगेटिव टॉक नहीं होता, वो आपका जो रहता है आपके पास, जैसे अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, आप अपलाइन से आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, लेकिन नॉट टू डाउनलाइन, डाउनलाइन को नहीं बताना है, अरे देखो ये है, ऐसा है, वैसा है, नहीं। नॉट टू योर क्रॉसलाइन, क्रॉस लाइन के साथ हम काम करते हैं इस बिजनेस में, अभी ऑनलाइन है तो हम क्रॉस लाइन के साथ इन्वॉल्व होते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं साथ में, डेमो साथ में करते हैं, कोई सेशन साथ में करते हैं। वहां पे मैं आपको बताऊं, मैं अभी भी जो हम सुरेखा मैम के साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ GBD है, लेकिन व्हेन वी कम वी डिस्कस अबाउट द वर्क, वी डिस्कस अबाउट द गुड थिंग, नॉट अबाउट ईच अदर्स बिजनेस, बिल्कुल उस बारे में बात नहीं होती। तो आपको भी अपने क्रॉस लाइन का बिजनेस क्या है, उसकी टीम में क्या चल रहा है, इन चीजों में जो ताकझाँक नहीं करनी है, याद रखिए, राइट, बिल्कुल, ये आपके और उनके सबके बिजनेस में डिस्ट्रैक्ट करेगा। सो जब आप मिलोगे, मेक श्योर आप काम से रिलेटेड बात करोगे और उससे रिलेटेड आप एक दूसरे को और एडिफाई करोगे, इंकरेज करोगे, आगे बढ़ने में हेल्प करोगे। डाउनलाइन और आपके साथ भी आपको निगेटिव बात नहीं करना, यहाँ तो कहते हैं नॉट इवन अपलाइन, क्योंकि क्या है ना, अपलाइन की भी इतनी बड़ी टीम होती है, सब लोग अपना निगेटिव लेके आएंगे तो आपको एनर्जी कौन देगा, आपको एनर्जी देने वाला डाउन हो गया तो कैसे चलेगा। सो अपलाइन के पास लेके जाना है आपके जो चैलेंजेस है और विद अ पॉजिटिव एनर्जी अंडर यू कि यस मेरे चैलेंजेस है और आप मुझे डायरेक्शन दीजिए कैसे करना है, एंड आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग। सो दिस गिव डिफरेंट इम्पैक्ट, नहीं तो ऐसे लेके गए कि भाई ये प्रॉब्लम है तुमको करना है तो करो, नहीं तो मैं तो करूंगा ही नहीं।
सो आप एक बात समझ लीजिए, ये बिजनेस आपका है, अपलाइन का नहीं है. आप अपने लिए कर रहे हो, अपलाइन के लिए नहीं कर रहे हो. नेवर अप्रोच इन लाइक अप्रोच लाइक दिस वे टू अपलाइन, राइट? बी इन अ वेरी गुड वे. जैसे अपने गुरु के पास जाते हैं, अपने टीचर के पास जाते हैं, उसी तरीके से जाना है, राइट? सो नो नेगेटिव टॉक टू एनीवन. डोंट मिस विद एनीवन्स ईगो. किसी के ईगो को नहीं छेड़ना है. जबरदस्ती किसी को नीचा दिखाना, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, ये सारी चीजें नहीं करनी है. हर इंसान में देखिए कुछ अच्छी चीजें कुछ खराब चीजें होती है. लेकिन अगर आप दूसरों की जो है कमियां, उनकी कमियों पे फोकस करने लगोगे, खुद आपको क्या देंगे? आप एक बार सोचिए. दूसरों की कमियों पे फोकस करने से आपको, आप ना तो उसकी कमियां दूर कर रहे हो, ना तो अपना टैलेंट बढ़ा रहे हो. किसी को नीचा करके आप कभी ऊंचे नहीं उठ सकते. किसी के ईगो को, किसी की ईगो रहता है किसी किसी का, उसको हर्ट नहीं करना है, राइट? तो ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है. हर एक की पॉजिटिव बातें देखो, उसको आइडेंटिफाई करो. किसी के किसी में किसी बातों का ईगो है तो आपको उसको लेट गो करना है. उनकी वो बातों में इन्वॉल्व भी नहीं होना है आपको, राइट? देन डोंट मेस विद एनीवन्स मनी. पैसों का लेन देन बहुत ही क्लियर रखना है बिजनेस में. ये तो क्या होगा, मिलेंगे तो सबसे पहले पैसे याद आएंगे काम, और धीरे धीरे रिलेशनशिप खराब हो जाएगा. हम काफी कुछ करते हैं. सो ये जो भी हमारा रहता है, वी विल ट्राई टू डू एज मच एज क्लियर ट्रांसपेरेंट विद एवरीवन. कभी कभी बिजी रहने पर हो सकता है कि आपके जो यहाँ पे रहते कॉम्पिटिशन रखते हैं, अगर वो प्रोडक्ट्स या वो गिफ्ट्स आपको नहीं मिले, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ओनरशिप लीजिए. प्रॉपर वे में लिस्ट बनाइए, अपलाइन को दे दीजिए, क्योंकि वो हो सकता है अपलाइन बिजी हो और आप तक नहीं पहुंचा हो. तो वो छोटी छोटी चीजों को आप ओनरशिप लेके करेक्ट करिए. लेकिन दूसरा जो पैसे का लेन देन है, कहीं किसी के प्रोडक्ट खरीद लिए और उसका पे करना बाकी, ये सारे चीजें मेसअप नहीं करना है. एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखना है, राइट? देन नेवर मेसअप विद एनीवन स्पाउस. सभी के वाइफ, हस्बैंड, गर्ल्स बॉयज वगैरह यहाँ है. सो आपको सभी को अच्छी निगाह से देखना है, रिस्पेक्टफुली देखना है, एक अच्छे रिलेशनशिप रखना है भाई बहन फ्रेंड का, राइट? किसी में भी आपको किसी के साथ गलत थॉट्स नहीं लानी है. सो ये तीन कार्डिनल रूल हमको ध्यान में रखनी है, राइट? सो बिफोर आई एंडिंग टू दिस सेशन, गिविंग इट टू प्रतीक, एक सिंपल सी स्टोरी जो इस सेशन की हमेशा बताती हूँ कार्डिनल रूल की. जैसे कि कहा है कि हमेशा अपने आप को ऊंचा उठाना है. आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो रास्ता एक ही है. दूसरों को नीचे गिरा के आप कभी, दूसरों को छोटा बना के आप कभी ऊपर नहीं बढ़ोगे. आपके हमेशा कोशिश करिए, देखिए आपके आपके डाउनलाइन, आपकी टीम को आपको आगे लेके जाना है. उनको आगे बढ़ने से रोकना नहीं है, उनके आगे जाने से आप पीछे नहीं होंगे, राइट? आपके डाउनलाइंस आगे जा रहे हैं, उससे आप पीछे नहीं होंगे. आप नीचे या पीछे तब होंगे जब आप उतना काम नहीं कर रहे, आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर रहे. सो वो स्टोरी के साथ मैं प्रतीक को हैंड ओवर करूंगी. वो अकबर जी अपनी सभा में सभी मंत्रियों उसको बुलाते हैं, एंड देन उनसे बोलते हैं कि एक आप लोग को पजल देता हूँ, इसको आप करिए. एक लाइन ड्रॉ करते हैं और बोलते हैं ये लाइन जो है इसको बिना छुए, बिना टच किए आप छोटी करके दिखाओ. इसको टच नहीं करना है, इसको छूना नहीं है, और इसको छोटी करके दिखाओ. तो सब परेशान हो जाते हैं, महाराज जी क्या बात कर रहे हो, कि टच भी नहीं करना है, छूना नहीं भी है और छोटा करना है. तो कोई मंत्री कर नहीं पाता, परेशान होते. बीरबल महाराज आते घूमते फिरते, सब लोग देखते, देखो बीरबल जी आए तो उससे क्या हुआ. तो बोलते हैं महाराज ने बोला है इस लाइन को बिना टच किए छोटी करना है. अब बताइए बीरबल महाराज कैसे कर सकते हैं इसको. तो बीरबल जी लेते हैं एक और उस लाइन के बाजू में एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और बोलते हैं देखिए महाराज हो गई लाइन छोटी. आपको भी यही करना है फ्रेंड, अपने आप को ऊंचा उठाइए, अपने आप को लिफ्ट करिए, अपने आप को और एडुकेट करिए और नॉलेज लीजिए, ताकि आप लोगों को दे सके, ताकि आप औरों को भी और आगे लेके जा सके. सो जितना आगे ऊंचा आप उठोगे, उतना आगे आप लोगों को भी लेके जाओगे. सो दिस इज फ्रॉम माय ओवर टू यू प्रतीक. थैंक यू सो मच एवरीवन. हेलो. थैंक यू सो वेरी मच दीदी, बहुत अच्छी तरीके से आपने सब क्लियर किया. ये जो चीज आपने बताया ना लास्ट में, यस, अपनी पोटेंशियल को बढ़ाइए, अपने जो अपनी एनर्जी है, अपनी जो सिस्टम को आपको फॉलो करना है, आपको सीखना है,
आपकी ये सक्सेस पाठशाला में आ पा रहे हैं, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाइए, अपना पोटेंशियल और बड़ा करिए, लोगों से तो आप जरूर जीतेंगे। और एक और चीज आपने बताई कि जब तक जीतो नहीं तब तक बस करते रहो, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज आपने बताई, बहुत कुछ मैंने नोट डाउन किया है कि बहुत अच्छा अच्छा आपने आज रफ्तार तो देखिए लेते रहते हैं हम लोग, रफ्तार हमने बहुत बार सुना है, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स के लिए है ना ये बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं कि भाई एकदम इजी वे में, सिंपल वे में बताया जा रहा है कि हाँ यही चीजें हैं एग्जांपल्स के साथ, यही चीजें हैं, इस तरीके से मिस्टेक नहीं करनी, बहुत सिंपल वे में बताया, कार्डिनल रूल्स बताया आपने दीदी, बहुत ही बेहतरीन। कभी भी किसी की ईगो को मैच नहीं करना, कभी भी हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है किसी को भी, तो वो सब चीजें बहुत ही अच्छी लगी। और कभी भी अपने अपलाइन से भी नेगेटिव बात नहीं करनी, ये भी बहुत अच्छी चीज लगी मुझे कि कभी यस वो भी तो बैठा है, उसके साथ पूरी टीम है, उसके पास अगर नेगेटिव थिंग्स जा रही है, देखिए प्रॉब्लम चैलेंजेस हर हर फील्ड में आते हैं, हर किसी को आते हैं, तो वो लेकर के हम सिर्फ अपलाइन के पास बार बार जाएंगे, हमें ऑनरशिप लेनी है, हमें पता है ये सब चैलेंजेस आएंगे, जैसे कि हम लोग रिजेक्शन को भी कई बार हार्ट पे ले लेते हैं, या ये सब चीजें अगर प्रॉब्लम आ रही है कुछ हो रहा है तो हम दिल पे ले लेते हैं और फिर अपलाइन को जाकर के बताते हैं, ऑनरशिप लेनी है, ये सब चीजें चैलेंजेस थोड़े बहुत तो आने ही आने हैं, सिर्फ चार लोगों के मना करने से ही ये बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। थैंक यू सो वेरी मच दीदी, ये सब चीजें आपने जो बताई है मैंने काफी अच्छे से नोट किया। वी कैन कॉल 2-3 पीपल फॉर शेयरिंग, जैसे हम रोज बुलाते 2-3 लोगों को शेयरिंग के लिए, बुला लो जो भी इंटरेस्टेड हो। प्लीज आप अपना हैंड रेज करिए, जिसको भी कुछ शेयरिंग करनी है, कुछ बात करनी है, नए लोग जरूर आए। मैं सबसे पहले मैं हमारे साथ ऐसे ही संजय अरोड़ा जी हैं, मैं उनकी शेयरिंग लेना चाहूंगा। आइए सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसा लगा आज का आपको सक्सेस पाठशाला, आपने एंजॉय किया आज? आज आप गुड मॉर्निंग, आधा सुना पूरा नहीं सुन पाया मैं, बहुत ही अच्छे तरीके बताया जो नेगेटिव थॉट जो आप बोल रहे हैं, नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए हमारे मन में, और जो जो भी है एक अच्छे थॉट से अपने को ये बिजनेस करना है और सबको लेकर चलना है, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, अपने अपलाइन को तो अपने भगवान समझना है कि जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया वो हमारे लिए कभी गलत नहीं कर सकते, तो एकदम पॉजिटिव थॉट से ही बिजनेस करिए तो आपको बहुत ही मजा आएगा, आपके नेगेटिव थॉट अपने साइड में निकाल दीजिए तो आप इसमें बिजनेस आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, ये कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू सो वेरी मच संजय भैया, बहुत सही तरीके से आपने पॉजिटिव वाली चीज बताई, सही बात है। दीदी ने भी ये चीज बताई कि हमेशा टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ ना अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल, और वो चीज करिए खुशी जिसमें मिले आपको, पॉजिटिव बात करिए, कभी भी नेगेटिव बात करके हमें कुछ कभी खुशी नहीं मिलती, हमें खुद को बुरा लगता है, हमें गिल्ट फील होता है किसी के बारे में अगर बुरा भी कह रहे हैं या बुरी चीज देख रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज देखिए, पॉजिटिव हमेशा रहिए और फैमिली के साथ भी टाइम निकालिए, टाइम मैनेज करके खुशी के साथ खुशी के पल बिताइए, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो वेरी मच। और किसी को कुछ शेयरिंग करनी है प्लीज अपने आप आगे आइए, कुछ बात करिए, कुछ कैसा आपको लगा, कुछ शेयरिंग करना चाहिए, बात करोगे तो बात बनेगी, बात करोगे तो बात बनेगी, वेरी राइट, बिल्कुल वेरी ट्रू। प्रवीण जी, प्रवीण सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग प्रवीण जी, थैंक यू रोशनी मैम, इतने सुबह सुबह एक तो जगाने के लिए और एक नई एनर्जी लाने के लिए। हमारे में एक कहावत है जो मैं अभी बताना चाहूँ, मतलब आई गेस ये यहाँ पे 100% 1,00,000% सेट होती है, इसको मैं पहले मराठी में बताना चाहूंगा, देनाऱ्यानी देत जावे घेणाऱ्यानी घेत जावे, एक दिवशी देनाऱ्यानी घेणाऱ्यानी देणाऱ्याचे हात घ्यावे। इसका मतलब यही है कि देने वाला देता है, लेने वाला ले रहा है, लेने वाले ने एक दिन जो दे रहा है उसके हाथ लेने चाहिए। ये मतलब एक टिपिकल वर्ड वाइज या उसको वैसे नहीं लेना है, जो हाथ लेना मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाले के हाथ काट के ले लो, वो हाथ काट के लेना मतलब वो नहीं है, उसकी आदत लेनी है। सामने वाला अगर कुछ दे रहा है, कुछ हमें बांट रहा है, तो वो आदत हमें कुछ दिनों में अपने आप में लेनी है और हमें उनके जैसा बन के आगे बढ़ना है। बिल्कुल हमें सीखना है और उसके बाद पोर्टेबल बनना है, हमें सिखाना भी है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रवीण भैया बता रहे आपने, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो वेरी मच। और कुछ आगे आना चाहेगा, कुछ बताना चाहेगा पूनम दीदी? Lorenji, Lorenji, yes, Lorenji. Yes. Good morning. Good morning.
गुड मॉर्निंग सबको। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी जो रोशनी जी से सीखा है मैंने, जो अगर हमें यहाँ विदाउट इन्वेस्टमेंट हम ₹1,000 कमाए तो हमें टाइम कितना देना पड़ेगा, हमें कितना सीखना पड़ेगा। और मैंने वही शुरुआत की है कि सीखने का और टाइम देने का। रोशनी जी मैं 5-6 मीटिंग्स रोज सुनती हूँ, किसी ना किसी को मीटिंग सुबह से लेकर शाम तक ना रात तक सुनती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ, क्योंकि ये अभी शुरुआत है मेरे लिए, तो सीखने का टाइम है। मैं सीखूंगी तब भी मैं सिखा पाऊंगी। थैंक यू सो मच, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद योर टीचिंग्स एंड ये कार्डिनल रूल्स आपने आज रफ्तार के साथ डाले। मैं अपने टीम को भी यही सिखाऊंगी। रियली आई एम सो इम्प्रेस्ड एंड सो नाइस, और इसको फॉलो करेंगे, हम सब करेंगे। लर्निंग मोड हमेशा रखना। यस स्मिता जी, स्मिता जी ने भी हैंड रेज किया है, तो जरूर लास्ट चैलेंज लेते हैं। स्मिता जी, यस वेलकम। गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग। हमेशा जैसे कि प्रतीक जी ने कहा कि हम हमेशा से शुरुआत देख रहे हैं, रफ्तार देख रहे हैं, लेकिन 2 दिन से हम जो देख रहे हैं ऐसे लग रहा है कि नए सिरे से हम सुन रहे हैं। और रोशनी मैम जब भी कुछ भी बोलती है, अगर वो हाय हेलो भी बोलते ना कुछ दिनों के बाद, वो भी नया लगने लगेगा उनका जो बोलने का तरीका है। और ये सक्सेस पाठशाला नहीं, रोशनी जी की पाठशाला ऐसे नाम रखना चाहिए, बिकॉज अभी घर में बच्चे की पाठशाला चालू हो गई है और अभी सुबह उसके साथ मेरी भी पाठशाला चालू हो गई है। 1 बजे में बच्चों का लेक्चर चालू है और यहाँ पे मेरा लेक्चर चालू है, तो बच्चे उठने के बाद पूछते हैं कि तुम्हारी पाठशाला भी चालू हुई कि नहीं। सो इट्स अमेजिंग। और ऐसे ही मैम और पाठशाला रखी है, आपसे बहुत कुछ सीखना है। जैसे फ्लोरिन मैम ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, हम अभी मतलब इस बिजनेस में छोटी छोटी चीजें अभी थोड़ी सी सीखी है और बहुत कुछ सीखना है। जैसे कि मोदी केयर का बिजनेस बहुत बड़ा समंदर है, इसमें की कुछ बातें हम लोगों ने अभी ली है और बहुत कुछ सीखना है। एंड थैंक यू सो मच मैम, आप सुबह सुबह इतना अच्छा सेशन लेते हो और एक अच्छी सुबह की शुरुआत करते हो, तो अभी ऐसे हो गया है कि गुड मोदी केयर मॉर्निंग एंड गुड नाइट मोदी केयर, इस तरीके से सेशन हमारे चालू है। सो इट्स अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू स्मिता, थैंक यू सो मच। यस बिल्कुल, मेरे साथ भी होता है, कई कई जो मेरे टीममेट्स हैं कई बार करते हैं मुझे गुड मोदी केयर नाइट, गुड मोदी केयर नाइट भी कई बार आता है, गुड मोदी केयर मॉर्निंग भी हो रहा है। और बिल्कुल सही कहा, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है। सीखते सीखते ही इस बिजनेस में हमें अर्निंग मिलने वाली है। जनरेशन तक का बिजनेस है, अगर जनरेशन तक का इतना पैसा आने वाला है, जितना बड़ा हम मैकडोनल्ड्स को देख रहे हैं, जितना बड़ा हम जियो को देख रहे हैं, अंबानी ग्रुप को देख रहे हैं, उतना बड़ा हम हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। हम सीखेंगे और फिर उसको सिखाएंगे। पहले साल सीखना है, दूसरे साल सिखाना है, तीसरे साल से बस पैसा ही पैसा गिनना है दोस्तों, ये बिजनेस का रूल है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में चलने वाला है और ये सक्सेस पाठशाला, रोशनी की जो पाठशाला है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको दो महीने बाद, 3 महीने बाद ना बहुत अच्छे से रियलाइज होगा कि यार हमने ये जो पाठशाला हमने ज्वाइन किया था, हमने ये जो सीखा है ना, आज इम्प्लीमेंट करके इतना सक्सेस मिल रहा है कि सच में उसका नाम सक्सेस पाठशाला बिल्कुल बहुत सही था। तो थैंक यू सो वेरी मच दीदी, आप बहुत अच्छी तरीके से डेडिकेशन के साथ और पूरा अपना एफर्ट डाल करके हमें सिखा रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको सीखें अच्छी तरीके से और उसको इम्प्लीमेंट करके सक्सेस आपको होकर के जरूर जल्दी से जल्दी दिखाएं। तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं सुबह 8 बजे।